फ्रेंड्स, दुनिया में मात्र दो ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑस्कर अवार्ड और नोबेल पुरस्कार को जीतने का रिकॉर्ड बनाया है, जिनका नाम जॉर्ज बर्नार्ड शो और बॉब डीलन है। लेकिन आखिर इन्हें ऑस्कर अवार्ड और नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इससे पहले हम ये जानते हैं कि आखिर ऑस्कर अवार्ड और नोबेल पुरस्कार दिया क्यों जाता है। फ्रेंड्स, दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार है, जो कि साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और कई चिकित्सा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को दिया जाता है। और वहीं ऑस्कर अवार्ड के क्षेत्र में एक्टिंग, सिंगिंग, राइटिंग और कई डायरेक्शन में काम करने वालों को दिया जाता है। तो अब चलिए जानते हैं कि आखिर इन दोनों को ऑस्कर अवार्ड और नोबेल पुरस्कार दिया क्यों गया है। फ्रेंड्स, आयरलैंड के डबलिन में 1856 में जन्मे जॉर्ज बर्नार्ड शो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट होने के साथ साथ एक प्ले राइटर भी थे। उन्होंने फिल्में के लिए बहुत कुछ किया। सन 1925 में इन्हें साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया और ठीक 13 साल बाद 1939 में फिल्म पिग्मेरियन का स्क्रीन प्ले लिखने के लिए इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया। अब चलिए जानते हैं कि बॉब डीलन को ऑस्कर अवार्ड और नोबेल पुरस्कार क्यों दिया गया। फ्रेंड्स, अमेरिका में 1941 में जन्मे बॉब डीलन एक संगीतकार, सिंगर और लेखक रहे। अमेरिका में जब क्रॉस कल्चरल मूवमेंट चल रहा था, तब बॉब उस पीढ़ी के आवाज़ बन गए थे। 1965 में बॉब के गाने लाइफ आर रोलिंग स्टोन ने लोगों पर इतना असर डाला था कि अमेरिका में बॉब की छवि जन गायक से लोक गायक बन गई थी। सन 2000 में फिल्म वंडर बॉयज के गाने थिंग्स हैव चेंज्ड को ऑस्कर में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग की कैटेगरी में चुना गया और इन्हें ऑस्कर अवार्ड दिया गया। और सन 2016 में इन्हें नोबेल पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए दिया गया था। फ्रेंड्स, फिल्मों में काम करने वाले लोगों के लिए एकेडमी अवार्ड मतलब कि ऑस्कर अवार्ड दुनिया का सबसे अहम पुरस्कारों में से एक है, जिसे पाने का हर एक का सपना होता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ऑस्कर अवार्ड में जो ट्रॉफी मिलती है, आखिर उस पर किसकी मूर्ति बनी होती है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, पहला ऑस्कर अवार्ड इवेंट 16 मई 1929 को आयोजित किया गया था। सन 1927 में एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर्स एंड आर्ट्स की मीटिंग में पहली बार ट्रॉफी के डिज़ाइन को लेकर बात की गई थी, जिसके दौरान एंजल्स के कलाकारों से उनके डिजाइन को सामने रखने के लिए कहा गया था और इसी के साथ मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली की मूर्ति को पसंद किया गया था। ऑस्कर अवार्ड में जो ट्रॉफी दी जाती है, कहते हैं कि उसके प्रेरणास्रोत मैक्सिकन फिल्मेकर और एक्टर एमिलियो फर्नांडिस थे। इसीलिए ऑस्कर अवार्ड में जो ट्रॉफी मिलती है, उस पर एमिलियो फर्नांडिस की ही मूर्ति होती है। फ्रेंड्स, शराब लोगों की लाइफस्टाइल का हिस्सा बन चुकी है। विस्की, बियर, वाइन और कई तरह की शराबें होती हैं। दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों में शराब भी शामिल है। लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली विस्की आखिर किस देश में बनती है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, दुनिया भर में सबसे ज़्यादा बिकने वाली टॉप 25 विस्की ब्रांड्स में 13 भारतीय ब्रांड्स भी शामिल है। फोर्ब्स की रिपोर्ट के मुताबिक विस्की की सबसे ज़्यादा खपत भारत में ही होती है और दुनिया में सबसे ज़्यादा बिकने वाली विस्की भारत की कंपनियों में ही बनती है। इसके बाद ही अमेरिका, जापान, ब्रिटेन और फ्रांस का नंबर आता है। फ्रेंड्स, आपने पेंसिल पर HB, 2B, 4B, 6B, 8B जैसे कोड तो लिखे देखे होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी कोड का मतलब क्या होता है? नहीं पता तो चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इसका सीधा असर लिखावट और स्केचिंग से ही पड़ता है। यदि पेंसिल की लास्ट में HB लिखा हो तो H का मतलब हार्ड और B का मतलब ब्लैक होता है, मतलब कि पेंसिल हार्ड ब्लैक है। और इसी तरह पेंसिल के लास्ट में HH लिखा होता है तो इसका मतलब होता है कि ये और भी ज़्यादा हार्ड ब्लैक है। इसी के साथ 2B, 4B, 6B, 8B जो पेंसिल होती हैं वो भी डार्क ही होती हैं। पेंसिल की ग्रेफाइट जितनी ज़्यादा ब्लैक होती है, उसकी ब्लैकनेस उतनी ही ज़्यादा होती है। इसीलिए इसे 2B, 4B, 6B, 8B जैसे कोड में दिखाया जाता है, क्योंकि 2B के मुकाबले 8B पेंसिल ज़्यादा हार्ड होती है। लेकिन आखिर अलग अलग कोड वाली पेंसिल का यूज़ क्यों किया जाता है, चलिए जानते हैं। फ्रेंड्स, इसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि स्केचिंग के समय चेहरे को शेप देने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि 2B पेंसिल हल्की डार्क होती है। और वहीं बालों का आकार और रंग देने के लिए 8B पेंसिल का यूज़ किया जाता है, क्योंकि 8B पेंसिल हार्ड ब्लैक होती है, जिससे बालों का लुक भी अच्छा दिखाई देता है। फ्रेंड्स, ओलंपिक गेम में आपने अक्सर देखा होगा कि बर्फ में स्केटिंग करने वाले खिलाड़ी हमेशा चश्मा और चुस्त कपड़े पहनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर ये ऐसा क्यों करते हैं? फ्रेंड्स, NBC ओलंपिक की रिपोर्ट कहती है कि बर्फ में स्केटिंग करते समय खिलाड़ी को चश्मा पहनना ज़रूरी होता है, क्योंकि जब खिलाड़ी बर्फ में स्केटिंग करते हैं तो ठंड और ड्राई एयर के बीच
इसे तेजी से निकालते हैं, जिससे तेज हवा का माहौल बनता है और इससे उनकी आंखों में नमी और पानी भी आ सकता है। इसीलिए बर्फ में स्केटिंग करते समय खिलाड़ी चश्मा पहनते हैं, क्योंकि चश्मे पहनने से उन्हें ज़्यादा साफ दिखाई देता है। इतना ही नहीं बल्कि बर्फ में स्केटिंग करने से खिलाड़ी चुस्त कपड़े भी पहनते हैं, और इसकी एक वजह यह है कि ये चुस्त कपड़े इसलिए पहनते हैं ताकि हवा का उन पर कोई असर ना पड़े, क्योंकि कई बार हवा का असर पड़ने के कारण इनकी स्पीड में भी बुरा असर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।